दोस्तों आज हम गंगा नदी के पवित्र तट पे हैं, जहां आप गंगा के अचूक दर्शन कर सकते हैं, खूबसूरती को देख सकते हैं। यहां पे ये खूबसूरत मंदिर और गंगा का ये पवित्र नदी काफ़ी खूबसूरत दिखती है। ठंड के समय में यहां पे बहुत ही कम लोग स्नान करते हुए दिखेंगे, लेकिन शुद्धता का प्रतीक है, इसीलिए यहाँ पर लोग काफ़ी मात्रा में स्नान करने के लिए आते हैं, यानी काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं। काफ़ी खूबसूरत ये पवित्र नदी, जिसे हरेक त्योहारों में इसके पानी को शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, और हिंदू धर्म के लिए ये खासकर काफ़ी ज़्यादा पवित्र नदी है, क्योंकि इस नदी के पानी से ही सारी शुद्धता कही जाती है, क्योंकि या हो पूजा पाठ इत्यादि चीज़ों में इस पानी का यूज़ किया जाता है, प्रसाद इत्यादि बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। और इस पवित्र नदी को आप देखकर, मनोरंजन दृश्य को देखकर भाव विहोर हो चुके होंगे, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के गंगा के, और यहाँ पे नाव जो चलते हुए दिखते हैं काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, और सुबह में इनकी दर्शन काफ़ी खूबसूरत लगती है। गंगा माँ कही जाती हैं हिंदू धर्म में, और ये पवित्र नदी गंगा माँ जो है काफ़ी जगहों से होकर गुजरती है, बिहार में ये पटना बख्तियारपुर इत्यादि जगहों से होकर गुजरती है। और यहाँ के खूबसूरत नज़ारे हैं, आज सुबह जब मैंने यहाँ का भ्रमण करने के लिए आया तो इस जगह के पवित्र मनोरंजन दृश्य को देखकर मैं काफ़ी विचलित हुआ, और यहाँ का सीन लेने के लिए भी व्याकुल हो गया। तो देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लगती है ये सुबह के दृश्य। यहाँ पर नदी है और उस पार टापू है, जहाँ पे आपको दूर से ही बालू इत्यादि दिख रहे होंगे, यानी वहाँ पे सूखी नदी है। तो दोस्तों, अपने चैनल के माध्यम से इस तरह खूबसूरत चीज़ें आपको दिखाते रहते हैं, तो हमारे चैनल पर बने रहें, ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर दबा लें, ताकि हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।